गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ का चैप्टर 10 चिड़ियाघर की शेर। ठीक है, तुम लोग अपने अपने बुक्स निकालो और मेरे साथ देखते जाओ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चिड़ियाघर की शेर। चिड़ियाघर मतलब जू। अब देखो, ये एक चिट्ठी है जो लेखिका ने लिखा है उसके दोस्तों के लिए। और कहाँ से लिखा है? उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2014। दिनांक मतलब डेट। तो उत्तम नगर से लिखा है। तो देखो, प्रिय सखी निशा, तो उसका फ्रेंड का नाम क्या है? निशा। कल रविवार का दिन था, हम सब परिवार चिड़ियाघर देखने गए थे। रविवार मतलब क्या होता है? संडे। संडे को हॉलीडे होता है, तो इसलिए लेखिका कहा गया था सब परिवार उसके फैमिली के साथ चिड़ियाघर देखने गए थे, मतलब जू देखने गए थे। हम अपनी कार से वहाँ पर ठीक 9 बजे पहुँच गए थे। तो वो लोग क्या लेकर गया था? कार लेकर गया था और 9 बजे गए थे। पिताजी ने 4 टिकट खरीदे और हम मुख्य द्वार से अंदर चले गए। 4 टिकट मतलब जब हमें ये सब देखना है ना, जब जीव जंतु बर्ड्स, तो हमें क्या चाहिए होता है? टिकट चाहिए होता है। तो उसके पापा जी ने क्या किया? 4 टिकट खरीदे और हम मुख्य द्वार से मतलब जो मेन गेट होता है उससे अंदर चले गए। दिल्ली का यह चिड़ियाघर पुराने किले के निकट बना है। कहाँ बना है? जो पुराने किले हैं मतलब जो लाल किले है उसी तरह एक पुराने किले है उसके पास ही ये चिड़ियाघर है। यह बहुत बड़ा है, इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है। जो चिड़ियाघर है तो क्या रहेगा? पशु पक्षी जीव जंतु रहेगा, है ना। इस पत्र में मैं तुम्हें चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ। सैर मतलब चिड़ियाघर के बारे में सब कुछ बताएगा। सबसे पहले मैं वहाँ के पक्षियों के बारे में बताती हूँ, तो जो जो बर्ड्स है उसके बारे में बताएगा। अंदर घूमने ही अनेक घुसते ही अनेक पिंजरे हैं। पिंजरे में जब चिड़िया इसे बंद करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पिंजरे बोलते हैं। तो उसमें अनेक पिंजरे होते हैं, इनमें रंग बिरंगे पक्षी रखे हुए हैं। तो अलग अलग तरह के पक्षी रखे हुए हैं कहाँ? पिंजरे में। ओके, तो आओ नेक्स्ट पेज में क्या है देखो। यहाँ देखो, एक पिंजरे में बंद रंग बिरंगा तोता सभी का ध्यान खींच रहा था। मतलब एक तोता था पिंजरे में, तो क्या हुआ, उन्होंने सबको आकर्षण किया था। जो उसकी प्यारी, इतनी प्यारी होते हैं तोता, तो उसने सबको उसकी तरफ आकर्षित कर लिया था। वहाँ हमने एक सफ़ेद मोर भी देखा। क्या देखा? एक पिकक भी देखा। और वह क्या कलर का था? सफ़ेद कलर का था। पिंजरों में कोई प्रकार की चिड़िया भी थी, तो मोर और तोता के अलावा और भी चिड़िया थी। ठीक है, वहाँ मैंने एक विचित्र जानवर देखा। विचित्र मतलब जो अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं उसको विचित्र बोलते हैं। देखो, अरे उसके पेट में एक थैली थी, उस थैली के भीतर उसका बच्चा था। थैली मतलब एक क्या होता है, वो एक बैग जैसा जो होता है उसको थैली बोलते हैं। उस थैली के भीतर उसका बच्चा था। तो जो उसके पेट में थैली है, जो जगह है उसमें उसका बच्चा घुसा हुआ था। फिर देखो, हमें उस जानवर का नाम कंगारू बताया गया। उसको क्या है? जो अपने बच्चों को पेट में रखते हैं उसको कंगारू बोलते हैं। उसके भागने का ढंग बड़ा विचित्र था। जो वो अपने भागते हैं जैसे, वह बहुत अच्छा और सबसे अलग था। तो उसने बोला विचित्र था। फिर देखो, यह कंगारू गेहूँ, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम घास खाता है। तो कंगारू क्या खाती है? गेहूँ, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम, नरम मतलब जो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, वो घास खाता है। अब देखो, उसके बाद आया क्या लिखा है? प्रिय सखी, चिड़ियाघर में मैंने एक शेर भी देखा। क्या देखा? एक शेर मतलब लायन भी देखा। इसे बहुत बड़े पिंजरे में रखा हुआ है। इसे खाने के लिए मांस दिया जाता है। शेर दहर रहा था। तो शेर क्या है? वो मांस भोजन होता है, तो उसको क्या चाहिए होता है? मांस चाहिए होता है और खाने के लिए मांस दिया जाता है। वो दहर रहा था मतलब वो आवाज़ कर रही थी, रोर्स। लायन क्या करता है? रोर्स। और वो दहर रहा था। चिड़ियाघर में मैंने हाथी की सवारी भी की। सवारी मतलब हाथी में भी उठा उन्होंने। हमें बहुत आनंद आया। हाथी बड़ी मस्त चलता है। मस्त मतलब वो धीरे धीरे चलते हैं, अच्छे से चलते हैं।
अच्छा मैं अब अपना यह पत्र यही समाप्त करती हूँ, मतलब यही ख़त्म करती हूँ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी प्रिय सखी मधु। तो मधु ने यह चिट्ठी लिखा था अपनी सहेली, किसको? निशा को। और इसने क्या बोला, जो चिड़ियाघर में उसने देखा, दो बर्ड्स देखा, एनिमल्स देखा, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और क्या बोला है कि क्या कौन सी बर्ड्स अच्छी प्यारी हैं और कौन सबको आकर्षित कर रहा था, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ यही था क्या चिड़ियाघर की शेर, शेर मतलब एक्सप्लेनेशन, जो चिड़ियाघर के बारे में बताया उसको चिड़ियाघर के शेर बोलते हैं। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। तो तुम लोग एक बार क्या करना, अच्छे से घर में पढ़ना और अदिया फेस देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।